गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द दठाकुर पर तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वकाबेर की आज के वकाबलेरी पहला वर्ड है मिटिगेट मिटिगेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है कोई समस्या है या फिर किसी तरह की कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन है तो उसकी इंटेंसिटी को कम करना हल्का करना धीमा करना उसे बोला जाएगा मिटिगेट टू मिटिगेट समथिंग मीन्स टू मेक इट लेस अनप्लीजेंट सीरियस और पेनफुल दैट इज़ कॉल्ड मिटिगेट आप देख सकते हैं वर्ल्ड किसी व्यक्ति की बात हो रही है विश्व में पूरे संसार में जो है मिजरी को दुख दर्द जो इस तरह की गरीबी है या दुख दर्द है लोगों को वो उसे कम करना चाहता है अगला शब्द है इनोक्युलेटिंग यहाँ पे वर्क की तरह यूज हुआ है इनोक्यूलेटिंग का मतलब होता है किसी भी बीमारी के बचाव के लिए इंजेक्शन लगवाना टीका लगाना उसे बोला जाएगा इनोकुलेटिंग टू इनोकुलेट अ पर्सन और एनिमल मीन्स टू इंजेक्ट अ वीक फॉर्म ऑफ अ डिजीज इन टू बॉडी एज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग दम अगेंस्ट द डिजीज दैट इज कॉल्ड इनोक्यूलेटिंग सीनॉरिम्स आप देख सकते हैं वैक्सीनेटेड इम्युनाइज वैक्सीनेट और इंजेक्टेड एनटॉरिम्स है ड्राई और ससेप्टेबल एग्जाम्पल देख लीजिए द चिल्ड्रन हैव बिन इनोकुलेटेड अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन कि बच्चों को जो है कोविड नाइन्टीन के बचाव के लिए है इंजेक्शन लगवाया गया अगला ब, अगला वर्ड है फ्रजाइल फ्रजाइल यहाँ पे जेक्टिव की तरह यूज हुआ है फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद नाजुक हो बहुत ज्यादा कमजोर होना दुर्बल होना या ऐसी कोई चीज जिसे इजिली डैमेज किया जा सके इजिली हर्ट किया जा सके दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल समथिंग दैट इज फ्रजाइल इज ईजिली ब्रोकन और डैमेज्ड एग्जाम्पल देख लीजिए एग्जाम्पल देख सकते हैं आप पहले से नॉनिम्स देख लीजिए डेलीगेट वीक्रेल और फीबल अनब्रेकेबल स्ट्रॉन्ग स्टडी और टफ एग्जाम्पल है ही लीनड बैक इन हिज फ्रजाइल चेयर किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी फ्रजाइल जो उसकी टूटी फूटी कुर्सी थी बेहद कमजोर जो दुर्बल कुर्सी थी उस पर वो पीछे लीन हो गया लेट गया अगला हमारा शब्द है बॉटल नेक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है बॉटल तो सिंपल सा मतलब होता है बोतल के ऊपर मतलब। की कोई बाधा पैदा करना कोई रुकावट पैदा करना अवरोध पैदा करना उसे बोला जाएगा बॉटल नेक बॉटल नेक इज सिचुएशन दैट प्रोसेस और एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग दैट इज कॉल्ड बॉटल नेक से आप देख सकते देख सकते हैं कंजेशन ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉकेट और एम्पेरिमेंट एंटोरेंस अलाउंस बोन काम और सर्टिनटी एग्जाम्पल देख लीजिए ही पोस्ट एवरी वन फुल स्पीड अहेड अन प्रोडक्शन हेट अ पॉटन लेक किसी एच uh, आर की किसी प्रोडक्शन uh, मैनेजर की बात हो रही होगी या कोई व्यक्ति है कि उसने सभी जो लेबर थी पूरी उसने उसको उनको पुश किया उनको इनक्रेज किया उनको मतलब इतनी स्पीड से वो प्रोडक्शन बढ़ाए कि जब तक वो जो प्रोडक्शन का बैरियर था अवरोध था वो दूर नहीं हो जाता अगला शब्द है स्टिमुलस यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना सहायता करना उसकी प्रोग्रेस में उसकी हेल्प करना प्रोत्साहन देना प्रेरणा देना उसे बोला जाएगा इन पीपल और थिंग्स दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मोमेंटम इम्पल्स इंसेंटिव और इमेटिस एंटोरम्स डेटोडेंट हेंड्रेंस इनर्शिया और ब्लॉक एग्जाम्पल देख लीजिए इंटरेस्ट रेट्स कुड़ फॉल सून एंड बी एस्टिमुलेस टू द यू एस इकोनॉमी कि ब्याज की दरें जो है जल्दी ही कम हो सकती हैं और जिसके कारण वो एक मतलब प्रोत्साहन या बढ़ावा दे सकती है यूएस की इकोनॉमी को बढ़ने में या उसको प्रोग्रेस करने में वो हेल्प रहेगा इंडस्ट रेट का कम होना

एग्जाम्पल देख लीजिए हार्ड ड्रग्स डिस्ट्रॉय फैमिलीज एंड डेबलिटेड कम्युनिटीज जो हार्ड ड्रग्स होती हैं उसकी बात कही गई है को फैमिलीज को परिवारों को डिस्ट्रॉय कर देती है और कम्युनिटीज को जो है वो कमज़ोर बना देती है अगला हमारा शब्द है वॉबल्स ये न्यू वर्ड है देखिए यहाँ पे रेड मैंने हाईलाइट किया है जो रेड रेड वर्ड होगा मैंने हाईलाइट जो किया है रेड कलर से आ, वो आ, हमारा नया वर्ड होगा मतलब काफ़ी समय से वो वर्ड रिपीट नहीं हुआ है या वो वर्ड नहीं आया है तो इसलिए मैंने ये हाईलाइट किया है ध्यान रखिएगा ये वॉबल्स न्यू वर्ड है यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है का मतलब होता है किसी भी चीज का लड़खड़ाना डगमगाना या कांपना ट्रम्बल करना यहाँ इकोनॉमी की बात हुई है डिटोरियल में दैट इज कॉल्ड वॉबल्स टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन अ वे दैट इज नॉट स्टडी टू मेक सम बॉडी और समथिंग डू दिस दैट इज कॉल्ड सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्वेंजर्स स्वेज स्टम्बल्स और स्विंग्स स्टिल बैलेंस और बी फॉर्म एग्जाम्पल देख लीजिए टेबल इट्स वॉबलिंग कि टेबल के नीचे कुछ रख दो एक तरह से उठा हुआ होगा टेबल क्योंकि वो लड़खड़ा रहा था टेबल अनबैलेंस हो रहा था तो उसके नीचे कुछ रख दो अगला शब्द है एमिट एच यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है आप एडिंग देख सकते हैं एमिट यहाँ पर प्रपोजिशन -प्रे -प्रे की तरह यूज हुआ है एमिट का मतलब होता है हम कोई बात बोल रहे हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और बीच में कुछ तरह कुछ इंटरप्शन हो जाती है कोई रुकावट आ जाती है तो किसी के दौरान किसी के बीच में के मध्य में इस कंटेक्सट में ये वर्ड यूज होता है एमिट इन द मिडल ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एमिट सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अमंग बिटवीन एमिट और ड्यूरिंग एंड हैं इसके बीओन आउटसाइड सेपरेट और फार अवे एग्जाम्पल देख लीजिए द हाउस टू डैमेज एप्पल ट्रीज किसी घर की बात हो रही है कि कोई घर है वो जो ऑर्चर्ड है एप्पल का ऑर्चर्ड है उसके बीच में कोई घर बना हुआ है अगला हमारा शब्द एनोमस एनोमस यहाँ पे जेक्टिक की तरह यूज हुआ है एनोमस का मतलब होता है हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी दिखाना चाहते हैं किसी चीज की या जरूरत आवश्यकता से अधिक बड़ा होना किसी चीज का बहुत भारी होना बहुत अधिक मात्रा में होना अत्यंत बहुत बड़ा उसे बोला जाएगा अनोमस You can use enormous to emphasize the great degree or extent of something that is called enormous. Synonyms are this gigantic, mammoth, huge or colossal. Gigantic, mammoth, huge or colossal. Antonyms are tiny, little, small or microscopic. Example, dekh she wields enormous power in the company. कि वो आ, किसी लेडी की बात हो रही है कि वो किसी कंपनी में जो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक वो पावर रखती है बहुत ज़्यादा शक्तियाँ उसके पास है किसी कंपनी में अगला हमारा शब्द है माज यहाँ पे वर्क की तरह यूज हुआ माज का मतलब होता है किसी भी चीज को क्षति पहुंचाना खराब कर देना बुरी तरह से बिगाड़ देना उसे बोला जाएगा माज टू मार समथिंग मीन्स टू स्पॉइल और डैमेज इट दैट इज कॉल्ड माज सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेमेज ब्लमिश स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव एंड चोनिम्स परफेक्ट फ्रेश और फॉटलेस एग्जाम्पल देख लीजिए अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मार्ड द स्मूथ रनिंग ऑफ दिस इवेंट किसी कार्यक्रम की बात हो रही है किसी इवेंट की बात हो रही है कि काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है कठिनाइयां हैं वो इस इवेंट को जो है वो तहस नहस कर देगी क्षति पहुंचा सकती है इस इवेंट को जो है वो बर्बाद कर सकती है समस्याओं समस्याएं किसी तरह की समस्याओं की बात हो रही है कि जो पूरी समस्याएँ हैं है, ये किसी इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ रनिंग नहीं होने देंगी उस इवेंट की और उसे क्षति पहुँचाएंगी इवेंट को अगला हमारा शब्द है यहां पे नाउन की तरह यूज हुआ है वोज का मतलब होता है किसी तरह की कोई परेशानी मुसीबत या संकट उसे बोला जाएगा आप advantage, edge, blessing or certainty. Example देख सकते हैं ट्रबल्स एंड चार्स एडवांटेज एट ब्लेंगी एग्जाम्पल देख लीजिए ही वॉन्ट्स टू चेयर चेयर यू अप किसी की बात हो रही है कि उसने तुम्हारी जो है दुख भरी जो कहानी मुसीबत भरी परेशानी भरी जो है वो स्टोरी सुनी और नेचुरली वो तुम्हें क्या करना चाह रहा था वो तुम्हें खुश करना चाह रहा था तुम्हें हैप्पी करना चाह रहा था अगला हमारा शब्द है अनकम बर्ड अनकम्बर्ड वर्ड यहाँ पेक्ट की तरह यूज हुआ है अनकम्बर्ड un का मतलब होता है भार मुक्त मतलब अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाना अपने दायित्व से फ्री हो जाना एकदम फ्री रहना दैट इज कॉल्ड अनकम अनकमर्ड not burdened with cares or responsibilities that is called unencumbered synonyms आप दे सकते हैं unobstructed free unburdened or clear antonyms an, an encumbered burdened or constrained example देख लीजिए living an unencumbered life तो ये जीवन की बात हो रही है कि हमें जो जीवन है पूरी तरह से फ्रीली तरीके से जो है हमें जीना चाहिए अगला हमारा शब्द है coalition यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है coalition का मतलब होता है ऐसी सरकार जो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों से मिलकर बनाई जाती है जिसे बोला जाता है गठबंधन की सरकार तो उसे बोला जाएगा अ अकोलेशन इज अ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम टू और मोर पोलिटिकल पार्टीज सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अलायंस यूनियन फेडरेशन और एसोसिएशन एन आइसोलेशन दिस एसोसिएशन दिसकॉड और सेपोरेशन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सिंस जून द कंट्री हैज हैड अ अकोलेशन गवर्नमेंट कि जून से लेके जो हाँ, देश है देश में जो है गठबंधन की सरकार चल रही है अगला हमारा शब्द है बोलस्ट्रिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है बोल स्ट्रिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ावा देना समर्थन देना सपोर्ट करना किसी चीज को दैट इज कॉल्ड बोलस्ट्रिंग टू सपोर्ट और एनकरेज somebody और समथिंग टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर दैट इज कॉल्ड बोल स्ट्रिंग आप देख सकते हैं री स्ट्रेंथनिंग सपोर्ट और बैकिंग एनच्रॉइम्स ए कंजेविंग डिस अप्रूविंग डिसफेवरिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए माई कॉन्फिडेंस कि जो उसने बातें कहीं, जो उसने उसके रिमार्क्स थे उसने मेरे जो कॉन्फिडेंस को है समर्थन देने में या बढ़ावा देने में किसी भी तरह की कोई हेल्प जो है वो नहीं की अगला हमारा शब्द है beholden। beholden यहाँ पे एजेक्टिव की तरह यूज हुआ है बीहोल्डन का मतलब होता है किसी ने हमारे लिए कोई काम किया है हमारी कोई हेल्प की है तो उसके एहसानमंद होना उसका आभारी होना कृतज्ञ होना अपनी कृतज्ञता दिखाना उसके प्रति दैट इज कॉल्ड बी होल्डन इफ यू आर बी होल्डन टू समन यू आर इन टू दैम इन सम वे और यू फील दैट यू हैव अ ड्यूटी टू दैम बिकॉज दे हैव हेल्प यू दैट इज कॉल्ड बी होल्डन सेनॉनिम्स आप देख लीजिए इनडेटेड ग्रेटफुल ऑबलाइज ऑब्लीगेटेड और थैंकफुल एन चोनिम्स इनग्रेटफुल अनएप्रिशिएटिव केयरलेस और थैंकलेस एग्जाम्पल देख लीजिए वी फील रियली बी होल्ड टू दैम फॉर वर्ड दे हैव हैवन कि बात हो रही है कि जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो उन उनके प्रति हमें उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए हमें आभार उनका जताना चाहिए एहसानमंद होना चाहिए उनके प्रति नेक्स्ट वर्ड है इनकर्शंस इंकर्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है इंकर्शन का मतलब होता है घुसपैठ करना किसी की जमीन पर अतिक्रमण करना या सीमा पे घुसपैठ करना आक्रमण करना दैट इज कॉल्ड इनकर्शन A sudden attack by foreign armies etc usually across international borders that is called incursions synonyms are this raids intrusions attack or offensive antonyms are defend retreat retreat asylum or den example when the troops made an incursion incursion across the border टू कंट्रीज दो देशों की बात हो रही है कि जब दो देशों की आर्मीज उनकी सेना ने जो है एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण किया तो उन्होंने जो मैत्री की बातचीत की संभावना थी उसको काफी कम कर दिया जो शांति की वार्तालाप होनी थी इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा इसमें कमी कर दी अगला हमारा शब्द है प्री यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है प्री का मतलब होता है ऐसा कोई अधिकारी जो

कि उसने मेंशन किया किसी व्यक्ति की बात कर रहा है एग्जांपल में किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने किया कि जो भी उसने कुछ सीखा है सारी चीजें जो है वो सीखी है अगला हमारा शब्द है टर्बुलेंट और यह आज का अंतिम शब्द है टर्बुलेंट का मतलब होता है उग्र होना किसी चीज का या अशांति होना किसी तरह की उसे बोला जाता है टर्बुलेंट ट्रेबुलेंट वाटर्स और एयर कंटेंट स्ट्रॉग कर टर्न विच इंजरेक्शन सडनली या हम व्यक्ति की भी बात बोल सकते हैं नेचर में बहुत ज़्यादा क्रूरता होना उग्रता होना उसे भी बोला जाएगा ट्रेबुलेंट सिन्स आप देख सकते हैं वाइल्ड स्टॉमी वॉयेंट और नॉइजी एंड ट्रॉनिम्स है काम पीसफुल ट्रेंकविल और स्टिल एग्जाम्पल देख लीजिए आई हैड टू हैव अ बोट that could हैंडल टर्बुलेंट सीज कि मे किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि मेरे पास ऐसी बोट है जो कि सक्षम है समुद्र में जितने भी तूफान आए उसको झेलने में वो सक्षम है तो आई होप आपको आज का जो सेशन है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा फ्रूटफुल लगा होगा अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा हमारा जो दूसरा सेशन है ईरियम्स और फ्रेजेज और वन वर्थ सब्जीट्यूशन वो मैंने कल भी डिस्कस नहीं किया था किसी कारण मैं आज भी डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ कल से आपको मैं कोशिश करूंगा कल से वो आपको एज इट इज़ मिलता रहे जो पाँच पाँच हम एडियम सो फ्रेजेज़ और वन वर्ड सब्जेशन डिस्कस करते हैं इस वीडियो की यदि ऑडियो आपने सुननी है तो आप मुझे खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है आप प्ले स्टोर से जाके खबरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ मेरे ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसका ऑडियो आप वहाँ पे सुन सकते हैं क्योंकि जितनी बार आप चीज़ों को सुनेंगे हमारी मेमोरी में वो लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें रहती हैं तो आप मुझे खबरी ऐप पे भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा आज की दिन ट्यूटोरियल टोलियल में इतना ही इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग